Hello, my dear students, good morning. In this video, I will teach you SST of class 6, and we have completed our second chapter of history, and today we will discuss about the exercise, tick the correct answer, fill-ups and true-false. ये तीन एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे और PDF ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर यू विल गेट टुमारो और आपको कल इसका PDF मिल जाएगा. तो टेकआउट पेज नंबर 22 पेज नंबर पर हमारी एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर में जो पहली एक्सरसाइज है, पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेसोलिथिक एज. विच ऑफ द जो क्वेश्चन फर्स्ट है, Which of the following is true about the Mesolithic age का मतलब है कि मिडिल स्टोन एज के बारे में जो बुक में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, फोर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस एज लास्टेड फ्रॉम 12,000 BCE टू 8,000 BCE, कि ये जो एज है, ये जो इसका जो टाइम पीरियड है वो 12,000 BCE से कब तक है. From 12,000 BCE to BCE till about 8,000 BCE, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 12,000 साल पहले से लेकर के 8,000 साल पहले का टाइम पीरियड मेसोलिथिक एज है. यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सही है. सेकंड स्टेटमेंट है, स्टोन टूल्स वर नाउ स्मॉलर एंड शार्पर. यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. थर्ड स्टेटमेंट है, मैन रियलाइज दैट टूल्स कुड बी मेड विथ एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स, कि अब मैंने रियलाइज़ किया कि जो टूल्स हैं वो पत्थरों के अलावा एनिमल बोन्स यानी कि एनिमल की हड्डियों से और हॉर्न्स यानी कि उनके सींगों से भी बनाए जा सकते हैं. इस एज के लोगों ने ये रियलाइज़ किया था. यस, ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की थी. तो man realized that tools could also be made with animal bones. एंड हॉर्न्स. और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज. तो हम ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट है. तो बेटा हम टिक द करेक्ट आंसर में किस पर टिक लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज पर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. फ्रॉम 12,000 BCE टिल अबाउट 8,000 BCE का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 BCE से 8,000 BCE तक रहा. यस, इट इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू. स्टोन टूल्स वर नाउ स्मॉलर एंड शार्पर, स्टोन टूल अब स्मॉलर और शार्पर हो चुके थे. यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. एंड थर्ड इज़ द मैन रियलाइज दैट द टूल्स कुड बी मेड विथ एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स, कि अब एनिमल बोन्स से भी क्या बनाए जा सकते थे, टूल्स बनाए जा सकते थे और हॉर्न सींग से भी. ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. तो हमारा ऑप्शन फोर वाला राइट है. नाउ वी सी क्वेश्चन सेकंड, टिक द करेक्ट आंसर का हम लोग क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं.
आई होप आप लोग भी अपनी बुक ओपन करके बैठे हैं और वीडियो के साथ में क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लैग टूल्स, कि जो क्वेश्चन टू है वो क्या कह रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्लैग टूल्स, कि फ्लैग टूल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या सच है. क्लेवर्स एंड चॉपर्स वर फ्लैग टूल्स. यस, चॉपर यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करने वाले, और जो थोड़े जिनके शार्पर एज थे, जिनके किनारे तेज थे, वो फ्लैग टूल्स थे. यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है. वर फ्लैग टूल्स, सेकेंड ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है फ्लैग टूल्स वर ओवल एंड पियर शेप. फ्लैग टूल्स ओवर एंड पियर शेप में थे. नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. थर्ड, फ्लैग टूल्स वर हैवी. नो, फ्लैग टूल्स हैवी नहीं थे, ये भी रॉन्ग है. फ्लैग टूल्स वर हैवी, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स. फोर्थ, ऑल ऑफ दीज. तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? फर्स्ट वाला है कि फ्लैग टूल्स क्लेवर्स एंड चॉपर्स होते थे. अब थर्ड जो क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिच एग शेल्स हैव बीन फाउंड इन दिस प्लेस, कि हमें ये बताना है कि ऑस्ट्रिच एग्स के जो शेल्स हैं वो कौन से जगह पर मिले हैं. लखनऊ यूपी में मिले हैं, या फिर पटना बिहार में मिला है, या पटना बिहार में, या पटने महाराष्ट्र में, भीमबेटका एमपी में. तो ये है थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, सी, वो करेक्ट है. महाराष्ट्र, पटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच शेल्स के रिमेंस मिले हैं. ऑस्ट्रिच एग शेल्स क्या है? ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग होता है. उसके अंडों के जो शेल्स हैं वो कहाँ पर मिले हैं इसके रिमेंस? ये पटने महाराष्ट्र में मिले हैं. थर्ड, ऑस्ट्रिच एग शेल्स हैव बीन फाउंड in this place, right answer is, जो हमारा आंसर है वो है पटने in महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में ये मिला है. नाउ फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, इन विच प्लेस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स डन बाय अर्ली ह्यूमन हैव बीन फाउंड इन अबंडेंस, यानी ये कौन सी जगह पर प्री हिस्टोरिक पीरियड के अर्ली ह्यूमन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग मिली है. तो पेंटिंग मेड बाय द प्री अर्ली ह्यूमन ऑफ प्री हिस्टोरिकल एज हैव बीन फाउंड इन विच प्लेस, वो है भीमबेटका. कहाँ पर मिली है बेटा? भीमबेटका एमपी में. तो इन विच प्लेस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पेंटिंग्स ऑफ या डन बाय अर्ली ह्यूमन हैव बीन फाउंड इन अबेंडेंस. अबेंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में. अबेंडेंस आंसर इज भीमबेटका. भीम
बेटका, भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी में. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? माइक्रोलिथ्स वर मेड इन, माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है कि स्मॉल टूल्स, छोटे टूल्स कब बनने लगे? वर मेड इन, कुछ याद आ रहा है? मेड इन वो बनने लगे थे मेसोलिथिक एज में. कब बनने लगे बेटा? मेसोलिथिक एज, यानी कि जो मिडिल स्टोन एज थी उस एज में जो बड़े बड़े टूल्स थे स्टोन के, अब वो छोटे होने लगे, स्मॉल टूल बनने लगे, स्मॉलर और शार्पर, यानी कि छोटे और थोड़े से शार्पर कौन से टाइम पर होने लगे थे? मेसोलिथिक एज में, मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मिडिल स्टोन एज में. तो इन दिस वे वी हैव डन टिक द करेक्ट आंसर. आपको वीडियो पोज करते हुए टिक द करेक्ट आंसर आपकी नोटबुक में करना है एंड यू विल ऑल्सो गेट द PDF ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड चैप्टर. टू चैप्टर विल कम इन योर एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स वी स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. और आप लोगों को भी पढ़ना है अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा. बेटा पढ़ाई तो करनी होगी ना. फिल इन द ब्लैंक्स, जो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक में हमें क्या करना है? कितने क्वेश्चन है? फर्स्ट, अर्ली ह्यूमन मूव्ड इन सर्च ऑफ. अब ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. अर्ली ह्यूमन मूव्ड इन सर्च ऑफ, अर्ली ह्यूमन जो है वो किसकी तलाश में यहां से वहां घूमता था? फूड, इन सर्च ऑफ फूड. तो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फूड. When flora and fauna of that place got exhausted, यानी कि जब उस place की flora and fauna. अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड फिलअप्स है वो क्या आएगा? एग्जॉस्टेड, यानी कि खत्म हो जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी. जब वो खत्म हो जाती थी फ्लोरा एंड फोना वहाँ की, यानी कि वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हैं और वहाँ की जो एनिमल्स हैं, जब खत्म हो जाते थे तो वो मूव कर जाते थे, उस जगह से निकल जाते थे, उस जगह से दूसरी जगह चले जाते थे फूड के सर्च में. सेकेंड, तो ध्यान से देखिए, हमारे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फूड आएगा, सेकंड में क्या आएगा? एग्जॉस्टेड. सेकंड, रिमेंस ऑफ एनिमल्स लाइक ब्लैंक were found in Deccan. तो Deccan के अंदर कौन कौन से animals के remains मिले हैं? Like ox and rhinoceros. यानी कि डायनासोर्स और ऑक्स जैसे एनिमल्स के रिमेंस डेक्कन में मिले हैं. थर्ड है वर फ्लैक टूल्स, ब्लैंक वर फ्लैक टूल्स. तो फ्लैक टूल्स कौन से होते थे? क्लेवर्स एंड चॉपर्स, यानी कि जिनके किनारे शार्प होते थे और जो छोटे छोटे टुकड़े कर सकते थे. मारगांव एंड चिरकी नेवेसा वर प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड इन द डेक्कन. तो फोर्थ है मारगांव एंड चिरकी,
ये बेटा जगह के नाम है, चिरकी नेवेसा। आर प्री हिस्टोरिक साइट्स, ये कहाँ कौन से साइट्स है, प्री हिस्टोरिक साइट्स यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की जगह हैं, जो कि कहाँ पर मिली हैं, लोकेटेड कहाँ पर हैं, ये अभी लोकेटेड इन द, जो हमारा ब्लैंक है वो आएगा इन द डेक्कन। ये दोनों साइट्स कहाँ पर है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के डेक्कन में। नाउ फिफ्थ है एट सम पैलायोलिथिक साइट, फर्स्ट ही ब्लैंक है तो यहाँ पर आएगा रिमेंस ऑफ ऐश, ऐश का मतलब होता है राख, राख के अवशेष, ठीक है। एट सम पैलायोलिथिक साइट्स लेड टू द कंक्लूजन that fire was known to early man, तो हमने ये 5 के 5 फिलअप्स कर लिए हैं। अर्ली वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड व्हेन फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट प्लेस गॉट एग्जॉस्टेड, जब किसी स्थान के किसी जगह के फ्लोरा एंड फोना यानी कि जो पेड़ पौधे हैं और एनिमल्स हैं वो एग्जॉस्टेड हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, देन दे मूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। सेकंड, रिमेंस ऑफ एनिमल्स लाइक ऑक्स एंड डायनासोर्स वर फाउंड इन डेक्कन, डेक्कन में कुछ एनिमल्स के रिमेंस मिले हैं, वो एनिमल्स कौन से थे, ऑक्स और डायनासोर्स की तरह दिखते थे। क्लेवर्स एंड द चॉपर्स, फ्लैग टूल्स कैसे होते थे, चॉपर्स और क्लेवर्स होते थे। एंड मार्गव एंड द चिरकी नेवेसा, ये जो साइट्स मिली है प्री हिस्टोरिक पीरियड की, ये साइट्स हैं जो कहाँ पर लोकेटेड है, डेक्कन में। और पैलायोलिथिक साइट्स में कुछ ऐसे रिमेंस मिले हैं जिससे ये निर्णय निकलता है कि आग के बारे में अर्ली मैन जाता था, तो कौन सा रिमेंस मिला होगा जिससे ये पता चलेगा कि जो अर्ली मैन है वो आग को जानता था, वो रिमेन है रिमेंस ऑफ ऐश। तो हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। हम अब लोग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका PDF आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। टिल देन बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ़।